So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSC by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos. यहाँ मिलेगा आपको daily live classes, structured course, live test, unlimited access. और Unacademy provide करता है इंडिया के top most educator जो आपके हर एक exam के dream को पूरा करते हैं. Next है Unacademy subscriptions के बारे में. तो अगर आप Alok YT code का इस्तेमाल करते हैं तो जिस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट जिसकी 64,000 है, ठीक है, Alok YT कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको वो सब्सक्रिप्शन चार्ज पड़ेगा 57,600 रुपीज का. ध्यान रखिएगा ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, यानी दो साल का है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक एंड हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड GS. सो हम अपने कोर्स ओवरव्यू की बात करते हैं. इसमें हम डेली करंट अफेयर के MCQ कर रहे हैं और साथ साथ में स्टैटिक GK को भी साथ में चलते जा रहे हैं. मतलब आप रोज क्या करते हैं, रोज इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर के MCQs कर रहे हैं डेली के, और साथ साथ में ये ध्यान रखिएगा एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर के कर रहे हैं, और साथ में आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक भी अपना पोर्शन साथ में खत्म करते चल रहे हैं. जैसे अभी हम लोग इसमें पॉलिटी खत्म करते हुए चल रहे हैं, ठीक है. हर एक क्वेश्चन की डिटेल डिस्कशन होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आपको रिमेंबर कराए जाएंगे, बताए जाएंगे, और ये सभी एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो चलिए 6 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे पढ़िए और इसे अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर आपने करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ा होगा तो रिसेंटली एक न्यूज़ में आया था तो आपको इसके बारे में पता होगा. थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है. सो पहला पॉइंट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट विल इंक्रीज बाय 38% इन द डेकेड बिटवीन 2020 एंड 2030. ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है. यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की भी रिपोर्ट आई है जिसमें उसने ये कहा है कि ई वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है. नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में जनरेट करता है ई वेस्ट को आफ्टर अमेरिका. तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि सबसे ज्यादा कौन जनरेट करता है, एशिया जनरेट करता है, ठीक है. नेक्स्ट है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है. फर्स्ट टाइम इन रूल्स ने क्या किया था, जो प्रोड्यूसर थे उन्हें किसके अंडर लेके आया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर. मतलब जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो भी ई वेस्ट है उसे वो लोग सेग्रीगेट करें और बाद में डिकम्पोज करें, रिन्यू करें, जिस तरीके से भी उसे करते हैं कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा ई वेस्ट का सबसे एक ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, वो है रीयूज, ठीक है. वापस उसे रिन्यू करें, वापस रीयूज करें, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट तरीका वही है उसका, ठीक है. चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका सी, That will be 1 and 3, ठीक है. चलिए, तो वही है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है जिसने कहा है 38% क्या बढ़ जाएगा, ई वेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है. ये 21 टाइप के होते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड. सबसे ज्यादा एशिया जनरेट करता है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूरोप जनरेट करता है. और ये जो जिसने स्टडी की है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ये आपकी कहाँ पे है, ये है जापान में, ठीक है. कहाँ पे है, जापान में है, ठीक है. अब बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स निकाले थे 2016 में, किस लिए, इन्हीं जितने भी ई वेस्ट हैं इनकी हैंडलिंग के लिए, ठीक है. तो और इसमें क्या डाला गया था, जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ई वेस्ट को क्या करे, कलेक्ट भी करे, ठीक है. तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत ऐप जो है, ठीक है, इनोवेशन चैलेंज, इसे किसने लॉन्च किया है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, इसे किसने लॉन्च किया है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. सब ने मिलके इसे लॉन्च किया है, ठीक है, सब इसमें पार्टनर है, ठीक है. तो किस किस ने किया है आत्मनिर्भर भारत ऐप जो है, इसमें क्या किया जा रहा है, जितनी भी देखिए अभी चाइनीज ऐप को बंद किया गया है, ठीक है, तो उसे बंद करने के बाद क्या हुआ है, चाइनीज ऐप को बंद करने के बाद इंडियन ऐप्स के डेवलपमेंट का काम इसमें किया जाएगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अटल इनोवेशन सेंटर, नीति आयोग, ये सब मिलके इसे क्या कर रहे हैं, इसे लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है. तो चलिए, करेक्ट आंसर विल बी डी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेरिडो डायफेसिस न्यूटन, ठीक है,
ये न्यूज़ में है, तो ये क्या है आपको बताने हैं, फंगी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या वायरस है, क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, फंगस है, ठीक है, फंगा है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। देखिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी चीज़ देखने को मिली है, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक होस्ट पे मिलते हैं जो एक इंसेक्ट होते हैं हेल्यूमोरोफस हेलेस, ठीक है, और ये जो इंसेक्ट है ये क्या करता है, फ्रूट सोयाबीन ग्रीन बीन एप्पल और पीएस को खराब करता है, ठीक है, और ये वाला फंगस इन्हीं के ऊपर पलता है, ठीक है। तो हम इस फंगस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स के बदले इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों, केमिकल इफेक्ट जो होगा इनके कारण पेस्टिसाइड से उसे रोक सकते हैं, और जो भी ये इंसेक्ट्स हैं इनको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं। अब ये न्यूज़ इसलिए है कि ये पहली बार सेंट्रल इंडिया की तरफ देखने को मिले हैं, ठीक है, कहाँ मिले हैं, सेंट्रल इंडिया में देखने को मिला है ये पहली बार, वरना ये मैक्सिमम कहाँ पे रहता है आपका, ये अभी तक केवल कहाँ पे था, वेस्टर्न घाट में था, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अभी तक केवल वेस्टर्न घाट में, और अब कहाँ देखने को मिला है, सेंट्रल इंडिया में भी देखने को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इनकरेक्ट बताना है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट विच इज रेफर्ड टू एज चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट, वेयर एज द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट फोकसेस ओनली ऑन द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपसे, इन्फेंट मोर्टैलिटी इज द डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 per 1000 लाइफ पर, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ी सी भी आपने डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ह्यूमन डेमोग्राफी के बारे में, तो ये दोनों पॉइंट सही हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट से रिलेटेड है, और जो लास्ट में पॉइंट है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट वो उत्तर प्रदेश में वर्स्ट है, ये वाला गलत है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस कहाँ पे है, एमपी में है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये देखने में रिसेंट स्टडी में ये आया है कि मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो अंडर 5 वाला जो होता है उसे हम चाइल्ड मोर्टैलिटी कहते हैं, ठीक है, और अगर जो इन्फेंट मोर्टैलिटी वाला जो रेट होता है वो क्या होता है, 1 साल से नीचे वाले का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडिया रीजन रिपोर्ट जो है ये कौन रिलीज करता है, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं कई बार, ठीक है, वापस इससे रिलेटेड कुछ थोड़े पॉइंट बाहर निकल के आए थे तो इसलिए वापस इसे डाल दिया है क्वेश्चन में। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज करती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, या इसरो ने इसे रिलीज किया है, ठीक है, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे सॉल्व कीजिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन विच स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेटिकली वनरेबल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा वनरेबल कैटेगरी में कौन सा स्टेट है इंडिया में, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसी रिपोर्ट में ये आया है कि कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में, तो वो है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सबसे वर्स्ट कंडीशन में, वनरेबल कंडीशन में है, ठीक है। चलिए तो यही है, कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, वेस्ट बंगाल वेस्ट सबसे वनरेबल कैटेगरी में, फ्लड रिस्क के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र डे कॉमरेड्स बुद्धास, तो बुद्धा के किस लाइफ के इवेंट से डील करता है आपका धर्म चक्र डे जो रिसेंटली अभी बनाया गया है 4 तारीख को, ठीक है, तो बताइए किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है उसके बर्थ से, एनलाइटमेंट से, या फिर निर्वाणा से, या फिर फर्स्ट सरमन से, तो ये किससे रिलेट करता है, फर्स्ट सरमन, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, समझ में आई बात। तो धर्म चक्र कब पड़ा इस बार, 4 जुलाई को, ठीक है, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने इसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलके, ठीक है। बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था कहाँ पे, वैसे सभी को याद रहता है, सारनाथ वाराणसी में, ठीक है, ये सबको याद है, बट ये वाला लाइन भी आप ध्यान रखना, रशिपताना, इसे क्या कहा जाता था, रशिपताना डियर पार्क जो है वहाँ पे, ठीक है, रशिपताना, ये वाला भी ध्यान रखना, पुराना नाम, ठीक है। चलिए तो इसी को क्या कहा जाता है, टर्निंग ऑफ व्हील, या फिर धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जी श्रीनिवासन पैनल जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है,
जी श्रीनिवासन, पैनल जो बनाया गया है ये किस लिए बनाया गया है, क्या देखेगा ये श्योरिटी बॉन्ड देखेगा डिफेंस सेक्टर में, श्योरिटी बॉन्ड्स प्रोवाइड करेगा रूट कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर में, श्योरिटी बॉन्ड करेगा स्पेस कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर श्योरिटी बॉन्ड क्रिएट करेगा माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में। श्योरिटी बॉन्ड का मतलब ये होता है कोई थर्ड पार्टी दो पार्टी के बीच की गारंटी ले रहा है कि भाई तू उसको पैसा दे, अगर पैसा नहीं चुकाएगा तो मैं पैसा चुका देगा इसका, ठीक है, भाई के पास तेल के कुएं, ठीक है, तो वो वाला सीन है। तो किसके लिए हुआ है ये, श्योरिटी बॉन्ड फॉर रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने ये बनाई है, ठीक है, ताकि इसमें ये देखे कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है, ठीक है, वो कितना श्योरिटी बॉन्ड दे सकता है रोड कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट के लिए, ताकि रोड का कंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स इज अ 3D प्रिंटेड वियरेबल डिवाइस दैट पल्सेस और वाइब्रेट व्हेन अ पर्सन हैंड इज नियरिंग देयर फेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पोटेंशियल इन्फेक्शन इज डेवलप्ड बाय, ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है कि अगर जैसे ही आप हाथ अपना मुंह के पास लेके जाएंगे तो वो वाइब्रेट करने लगेगा ताकि इन्फेक्शन रोका जा सके। तो ये किसने डेवलप किया है, नासा ने, ICMR ने, इसरो ने, या भारत बायोटेक ने, ये आपको बताना है। तो इसे डेवलप किसने किया है, नासा ने इसको रिसेंटली अभी डेवलप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो 10th क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 जो हुआ है इसे किसने लॉन्च किया है, AICT ने, CDAC ने, CSIR ने, या सभी ने मिलकर। चलिए तो इसे किसने लॉन्च किया है, ऑल ऑफ द अबाव, सभी ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है, और भी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबाव डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो MHRD इनोवेशन सेल है इसमें, AICT है, CSIR है, CDAC है, और माय गवर्नमेंट एज अ प्राइवेट प्लेयर भी है, ठीक है। और क्या करेंगे, डिस्कवरी, ड्रग की डिस्कवरी के ऊपर काम करने के लिए इस इनिशिएटिव को लागू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, मून शॉट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि मून शॉट क्या होता है। ये अलाउ करता है कि आप ऐसी कंडीशन में काम करें जो आउट ऑफ द बॉक्स हो नेचर के, मतलब एकदम अलग हो, दुनिया से अलग हो, ठीक है, एकदम परे ही लेवल का हो। और दूसरा है सिलिको ड्रग जो होता है डिज़ाइन, ये होता है ह्यूमन एडेड मॉलिक्यूलर डिज़ाइन, ठीक है, तो ह्यूमन के हिसाब से बनाया जाता है, ये ह्यूमन एडेड होता है, ठीक है, मतलब इंसान ही इसे बनाता है बैठ के। चलिए तो 11th क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका A only 1, ठीक है, ह्यूमन एडेड नहीं होता। सिलिको ड्रग आपको ध्यान रखना होगा क्या होता है, कंप्यूटर एडेड होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर की मदद से इन ड्रग्स को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो वही है कि जो आपका जो ऊपर पीछे आपने देखा, इसमें 3 ट्रैक में क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा काम किया जाएगा ड्रग्स के डेवलपमेंट के लिए। तो पहला ये है कि anti-COVID-19 के लिए बनाई जाएगी ड्रग का डिज़ाइन किया जाएगा, दूसरा सिलिको ड्रग डिस्कवरी पे काम किया जाएगा मतलब कंप्यूटर एडिट पे, और तीसरा मून शॉट पे काम किया जाएगा, मतलब कि कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स अगर नेचर कोई भी बात वाली है तो उसे भी सॉल्व करने की प्रॉब्लम को कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सिलिको ड्रग डिज़ाइन का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूलर डिज़ाइन, ठीक है, कंप्यूटर की मदद से ड्रग का निर्माण करना। नेक्स्ट है विवेक देवरॉय कमेटी किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है, एयर ट्रांसपोर्ट से, रेलवे से, वाटरवे से, या डिफेंस से। तो चलिए देखते हैं, विवेक देवरॉय कमेटी आपकी किससे रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, ठीक है। तो अभी अभी रिसेंटली रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है, और अभी क्या किया गया है कि कुछ ट्रेन्स को प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया है कि वो उन्हें चला सकते हैं, बट इसका रेशो रखा गया है 5%। तो इसी के लिए क्या बनाई गई थी, विवेक देवरॉय कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए, बायोफ्यूल से रिलेटेड है, बायोफ्यूल्स के लिए हम पहले भी पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर चुके हैं बहुत पहले। तो बायोफ्यूल क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो सस्टेनेबल फीड स्टॉक से निकाला जाता है, और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 ये कहती है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है और 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग करनी है बाय 2030, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें हो जाएगी आपकी 1 and 3, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर विल बी सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि सस्टेनेबल फीड स्टॉक पे नहीं होता, थर्ड जनरेशन किस पे होता है, एल्गी बेस होता है, ठीक है। तो यही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने एक स्टडी की है कि किस तरीके से बायोफ्यूल फ्यूल सेक्टर में यूज हो सकता है, ठीक है। तो बायोफ्यूल क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस सभी फॉर्म में हो सकता है, सभी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग जो अपने जो कन्वेंशनल बायोफ्यूल है उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जैसे शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, बायोफ्यूल जनरेशन के लिए। सेकंड वाला जो होता है उसमें हम सस्टेनेबल फीड स्टॉक जैसे मक्का या फिर जो बची हुई चीज़ें रहती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, इसे एडवांस बायोफ्यूल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे एडवांस बायोफ्यूल किसे कहा जाता है, तो सेकंड जनरेशन वाले को कहा जाता है। थर्ड जनरेशन में हम लोग एल्गे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो फोर्थ जनरेशन है, इसमें हम जेनेटिक मॉडिफाइड जो इंजीनियर्ड क्रॉप्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्रॉप्स क्या करती हैं, बहुत सारा कार्बन जो है अपने में समेट लेती हैं और उसके बाद इसका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ बायोफ्यूल। और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, ठीक है। और जिसमें गवर्नमेंट ने ये फिक्स किया है कि 20% जो है एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी और 5% जो है बायोडीजल की ब्लेंडिंग की जाएगी। कब तक, 2030 तक, ठीक है, ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली अभी न्यूज़ में है कि 100 ऑफ एलिफेंट हैं किसी एक जगह पर, अचानक ही उनकी बिना जाने कैसे मौत हो गई है ओकावांगो डेल्टा में। तो आपको यह बताना है कि ओकावांगो डेल्टा कहां पे है, ठीक है। चलिए, तो ओकावांगो डेल्टा आपका है कहां पे, बोत्सवाना में। कहां पे है, बोत्सवाना में है ओकावांगो डेल्टा, ठीक है। चलिए, तो 100 ऑफ एलिफेंट की डेथ हो गई है कहां पे, बोत्सवाना में, ठीक है, ओकावांगो डेल्टा में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है आपका, बोत्सवाना में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसे डाला गया। अगर आप बोत्सवाना को मैप में देखना चाहते हैं तो ये रहा बोत्सवाना, ठीक है, यहाँ पे ये रहा बोत्सवाना साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। यहीं पे है आपका उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ठीक है। तो ये रहा उगांडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नीमू समटाइम सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। तो नीमू कभी कभी न्यूज में अभी रिसेंटली दिख रहा है, तो नीमू कहाँ पे आपको ये बताना है, ठीक है। तो नीमू अभी आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां पे, ठीक है। तो कहां पे है ये लद्दाख में है, कहां पे है, लद्दाख में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नीमू कहां पे, लद्दाख में है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए भी जाते हैं, ठीक है। लद्दाख पूरा का पूरा भी उसमें नाम में ही चल रहा है, तो नीमू कहां है, लद्दाख में है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पे, इंडियन ट्रूप्स को उन्होंने क्या नाम है उनसे बात की, ठीक है। कहाँ पे है, जास्कर वैली के पास है, ठीक है। और यहाँ पे इंडस और जास्कर रिवर, इन दोनों रिवर का क्या है, कॉन्फ्लुएंस होता है, मिलती हैं दोनों की दोनों। और मैग्नेट हिल जो है आपकी, ठीक है, वो भी यहाँ पे ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो अभी हमने जितने भी थे क्वेश्चंस, हमारे आज के जितने भी क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के एमसीक्यू के, ठीक है, वो हमने कर लिए। आज अभी केवल 15 ही बने हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन पे, ठीक है। तो हम लोग अब आगे आ रहे हैं अपने स्टैटिक पोर्शन पे। ध्यान रखा कीजिए, संडे को वीडियो नहीं आती, इसलिए कल आपकी कोई वीडियो नहीं आई थी, ठीक है। तो 5 को वीडियो नहीं आई थी, 6 को वीडियो आई थी। तो अगर 5 की कोई न्यूज़ भी होगी तो उसे 6 में ही ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो अपने स्टैटिक पोर्शन पे हैं, स्टैटिक पोर्शन पे आते हैं। स्टैटिक पोर्शन पे अगर आप लोग देखेंगे तो अभी हम लोग अपनी जो करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन में जो हम अपनी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, किस पे, स्पेशल प्लेटफॉर्म पे, स्पेशल क्लासेस जो चल रही हैं। तो चैनल पे प्लीज़ रिलैक्सेशन स्टडी पे आप देखेंगे तो क्या है, डेली एमसीक्यू क्लासेस चल रही हैं किसकी, पॉलिटी एमसीक्यू की। और उसमें हम लोग कौन से चैप्टर सभी कर रहे हैं, प्रीएम्बल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद आपका क्या नाम है, बेसिक स्ट्रक्चर, और साथ में आपका क्या नाम है, अमेंडमेंट, ठीक है, और सेलियंट फीचर। ये सारे चैप्टर हम लोग अभी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं यहीं पे स्टैटिक पोर्शन में। तो इनके अब वहाँ पे एमसीक्यू चल रहे हैं आपके, तो प्लीज़ सुबह 7 बजे आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, 7 AM, ठीक है। तो वहाँ पे ढेर सारे एमसीक्यू करते हैं, बहुत बच्चे ज्वाइन होते हैं, ठीक है, और आपको रियल टाइम में पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। और अगर नहीं आप कोई पढ़े हैं तब भी आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आप ये देख पाएं कि भाई क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हम लोग यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी भी कर चुके हैं, और साथ में हम लोग अभी क्या नाम है, सिटीजनशिप भी अपना खत्म कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, बड़ा चैप्टर है, टाइम खाएगा, बट इसे हम आराम से करेंगे, चीज़ें समझ के करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो भाई किस पार्ट में आता है, पार्ट 3 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के।
कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में आपका क्या है फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको, जो बिल ऑफ राइट्स है यूएसए का, वहां से ये इंस्पायर्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, तो यूएसए से अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स थे वो केवल 7 थे, ठीक है, बट प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स था उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, और अभी उसे रिसेंटली किसमें डाल दिया गया है? मतलब अब किसमें रखा गया है, अब उसे आर्टिकल 300A के अंडर रखा गया है, जहां पे वो एक लीगल राइट है और साथ साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आपसे पूछा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी राइट है तो वो किस तरीके का राइट है। ठीक है, राइट टू इलेक्शन किस तरीके का राइट है, पहले यूपीएससी ने पूछा है, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र है, लोगों को अधिकार देता है। ठीक है, ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बात समझिए आप, अगर अगर ये राइट्स होंगे ही नहीं लोगों के पास तो वो अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे, कहीं घूम ही नहीं पाएंगे, चीज़ों को जान ही नहीं पाएंगे, आरटीआई लगा ही नहीं पाएंगे, अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी नहीं होगी, मीडिया को आज़ादी नहीं होगी, तो फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी? तो इसलिए ये प्रमोट करते हैं फंडामेंटल राइट, क्या, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये अथॉरिटी जो होती है स्टेट की उसे कम करते हैं, उनका डिस्पोटिक रूल जो होता है उसे कम करते हैं, मतलब अपने मन से कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं किम जोंग योंग बनने से रोकते हैं। ठीक है, अब ये लिमिटेशन लगाते हैं किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। लेजिस्लेचर यानी जो कानून बनाने वाला है, यानी लोकसभा राज्यसभा, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं, और साथ साथ एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी क्या लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है, कि भाई आप इसके लिमिट में काम करेंगे, फंडामेंटल राइट्स आप ब्रीच नहीं करेंगे लोगों के। ठीक है, चलिए अब फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हम देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 से 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपका आर्टिकल 25 से 28 तक, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आर्टिकल 29 से 30, और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आपका किसमें, आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं कि राइट टू इक्वालिटी कितने में है, फ्रीडम कितने, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के। ठीक है, तो इसलिए सुबह जो आपकी सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए, पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आप वहां पे क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ राइट्स जो हैं वो केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब केवल भारतीय जो नागरिक हैं उन्हें अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को नहीं अवेलेबल हैं। अभी हम केवल नंबर देख रहे हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे ही को तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल 15, 17, 19, 29 और 30 ये केवल सिटीजन को अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को नहीं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हैं जो सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल हैं। ठीक है, सिटीजन और फॉरेनर दोनों को अवेलेबल हैं, बट एनिमी को नहीं है। कोई अगर आपका किसी इंडिया का कोई एनिमी नेशन है, कोई देश है जिसे इंडिया घोषित करता है कि ये हमारा क्या है, एनिमी नेशन है। ठीक है, तो उसके जो बंदे यहाँ पे इंडिया में होंगे, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल होगी इन आर्टिकल्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जब हमने सिटीजन किया था, सिटीजनशिप चैप्टर किया था, तो हमने उसमें बात की थी कि आर्टिकल 22 के अंदर जो प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन वाली, वो अवेलेबल नहीं होती किसको, एनिमी एलियंस को। एलियन यानी जो दूसरे देश से आए हैं, जादू नहीं। ठीक है, तो सिटीजनशिप एंड फॉरेनर्स जो हैं, जो एनिमी नहीं है, उनको कौन कौन से अवेलेबल है, मतलब सिटीजन्स को और फॉरेनर्स को। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 14, 20, 21, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप इसे सीधा सीधा तो सीक्वेंस में याद कर लेना, 20 से लेके 28 तक सारे के सारे सभी को अवेलेबल है। तो आपको दो का आंकड़ा ये पूरा का पूरा दिख रहा है 28। ठीक है, फिर उसके बाद बचा 29, 30। ठीक है, तो 29 और 30 ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, 29 और 30 ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना कि 29 30 ऊपर अवेलेबल है। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप थोड़ा इधर ध्यान रख लेंगे, 15 16 19 और 14 यहाँ पे है। ठीक है, तो आपका काम हल्का फुल्का चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। वैसे जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो आपको वो आर्टिकल के थ्रू अपने आप ही ध्यान हो जाएगा कि हाँ भाई ये फॉरेनर को अवेलेबल होगा और ये इंडियन को अवेलेबल होगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ये स्टेट के अगेंस्ट भी हैं, बट इसमें कुछ सिटीजन के भी अगेंस्ट है। मतलब कोई अगर पर्सनली
आपका कुछ वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट, कोई एक सोल अथॉरिटी, एक बंदा ही कोई करता है, तो उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आर्टिकल कौन कौन से हैं? ये आर्टिकल हैं आपके 15, 17, 23, 24, 32। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसमें केवल एक ही चीज़ जारी होती है, एक ही रिट जारी होती है, जो है हीबस कॉर्पस। ठीक है, क्या जारी होगा? हीबस कॉर्पस जारी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, हीबस कॉर्पस मतलब होता है किस अधिकार से। ठीक है, मतलब शो द बॉडी, हीबस कॉर्पस का मतलब है शो द बॉडी, उस बंदे को मेरे सामने लाके खड़ा करो, कौन कहता है ऐसा? कोर्ट कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है, क्योंकि इनकी रिस्ट्रिक्शन साफ साफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई हैं किसमें? फंडामेंटल राइट्स में। तो ध्यान रखिएगा कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई हैं फंडामेंटल राइट में, केवल वही इम्पोज होंगी, उसके अलावा कोई दूसरी इम्पोज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो पहले से मेंशन है वही केवल लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत सारी जो इसमें जो क्या नाम है आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट अवेलेबल हैं? वो अगेंस्ट अवेलेबल हैं आर्बिटरी एक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो वो इस तरीके से अवेलेबल हैं कि स्टेट किसी तरीके का आर्बिटरी मतलब एकदम फालतू सा फैसला ना ले। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन दे सकते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शन अगेंस्ट एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो मैक्सिमम किसके हैं? स्टेट के अगेंस्ट हैं, कुछ केवल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेंस्ट सिटीजन्स के लिए कितने कम हैं और बाकी यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हैं फंडामेंटल राइट, नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हैं। तो क्यों नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हैं? नेगेटिव कैरेक्टर ये गवर्नमेंट के हिसाब से दिखाते हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर एक तरीके से बाउंडेशन लगाते हैं कुछ करने से। ठीक है, लिमिटेशन लगाते हैं, बट एक तरफ ये पॉजिटिव इन नेचर होंगे किसके लिए? सिटीजन के लिए। तो नेगेटिव होगा गवर्नमेंट के लिए और पॉजिटिव होगा किसके लिए? सिटीजन के लिए, क्योंकि उसे वो क्या दे रहा है? प्रिविलेज दे रहा है, कुछ प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि आप इनकी एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ये डिफेंडेड और गारंटेड बाय होते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। मतलब अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आर्टिकल 32 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने के लिए। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, रिट यानी ऑर्डर जारी करेगा, उन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। और आप साथ में चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जिसकी पावर उसे आर्टिकल 226 के अंडर मिली हुई है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात ध्यान रखना है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, मतलब इन्हें अमेंड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, और आप ये पहले भी देख चुके हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। बट ध्यान रखिएगा, हम लोगों की पिछली क्लास आप लोगों ने करी रखी है तो आपको पता होगा कि केशवानंद भारती केस 1973 में साफ तौर पे मेंशन किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर, कि किसी भी हाल में बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा मरोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हें सस्पेंड कर दिया करा जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय, सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, बट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 20 21 क्या है ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो अभी इन्हें डिस्कस नहीं कर रहे, केवल जान लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 20 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके ऊपर क्या है, लिमिटेशन लगाते हैं कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 31A, 31B, 31C। तो इनको आगे डिटेल में पढ़ना है, मतलब ये क्या लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये तीनों आर्टिकल 31A, 31B और 31C। साथ साथ में अगर मार्शल लॉ भी लगा होता है किसी एरिया में तो वो भी क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी आर्मी रूल अगर लगा है, मिलिट्री रूल लगा हुआ है तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके ये तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल हैं। क्या है? डायरेक्टली एनफोर्सेबल हैं, बट कुछ जो हैं जिन्हें लॉ के थ्रू, मतलब वो दिए तो गए हैं बट कानून के थ्रू उन्हें पास कराना पड़ता है, उन्हें एनफोर्स कराना पड़ता है। जैसे राइट टू एजुकेशन जो है आपको, वो आर्टिकल 21A के अंडर मिला हुआ है, बट इसे राइट टू एजुकेशन जो मिला हुआ है आपको, इसे एनफोर्स कराने के लिए कौन सा लॉ आया? राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट आया।
ठीक है, तो कानून बना के इसे क्या किया गया, एनफोर्स किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से अनटचेबिलिटी के लिए सिविल राइट्स एक्ट और बाकी राइट एक्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ तो है जो अपने आप क्या नाम है एनफोर्सेबल है, और कुछ को एनफोर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कानून बनाना पड़ता है। तो इसे अगर ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जाए कि सारे फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल हैं, ठीक है, बिना किसी चीज के, तो वो गलत स्टेटमेंट होगी। कानून बना के कुछ को एनफोर्स किया भी जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल में। बेसिक चीजें हमने समझ ली, अब हम आर्टिकल में आते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, कि अगर स्टेट कोई ऐसी गलती करता है, बट साथ साथ में कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल तो सबको पता है, बट स्टेट नहीं पता है। तो स्टेट की डेफिनेशन बताता है आर्टिकल 12, उसमें कहता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी PSU। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट की जहां चवन्नी लगी है वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी हर जगह पे क्या लगेगा आपका, आर्टिकल 12 लगेगा, वो सब स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 13 क्या कहता है। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये कहता है, देखिए सिंपल तौर पर मैं बता देता हूं, डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा कानून, अब डेफिनेशन ऑफ लॉ बताता है तो ये बताएगा कि लॉ क्या होते हैं। तो लॉ होता है लॉ बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस यानी कन्वेंशन के थ्रू, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये सब आपके क्या है, लॉ के में ही आएंगी, लॉ की डेफिनेशन में आएगी। तो आर्टिकल 13 बताता है लॉ की डेफिनेशन, और अगर कोई भी लॉ, कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपनी जुडिशियल रिव्यू की कैपेसिटी में, यानी आर्टिकल 32 की कैपेसिटी में, इसको नल एंड वॉइड आगे चल के कर सकता है। तो आर्टिकल 13 आपके लिए क्या रखता है, बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये बेसिक है आपका जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड लॉ डू नॉट अप्लाई फॉर पर्सनल लॉ। ठीक है, तो जो पर्सनल लॉ है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमारा आर्टिकल 13 जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। बट अब दो पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13 में ध्यान रखने हैं। पहला तो ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 13 में ये बात मेंशन कर रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होते हैं वो लॉ नहीं होते। ठीक है, तो आप लोगों में से जिसने भी बेसिक स्ट्रक्चर की क्लास की होगी, ठीक है, जो टॉम एंड जेरी वाली क्लास मैंने कराई थी, उसमें पूरी तरीके से हमने यही देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल 13 तो ये कहता है भैया कि लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा, बट हमें पता है कि बाद में केशवानंद भारती केस में आगे चल के सुप्रीम कोर्ट 1973 में ये बात कहता है कि कुछ भी करो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज मत करो। क्या करो, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज मत करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14, तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं आर्टिकल 14 में। पहला कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के कानून के लिए सबकी, सबके लिए एक जैसा कानून। ठीक है, हर एक के लिए एक जैसा कानून, और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कि लॉ के हिसाब से सबको प्रोटेक्शन अवेलेबल हो। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये समझिए। अब आप बोलेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सभी के लिए इक्वल है, तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने देखिए, अब बात समझिए, मान के चलिए सभी लोगों के लिए एक ही जैसा कानून बना दिया, तो किसी ने एक ब्रेड चुराया तो भी चोरी। ठीक है, किसी ने मान लिया ने पूरी के पूरे कंट्री का पैसा चुरा लिया तो भी चोरी। ठीक है, तो अगर आपको चोरी की सजा देनी है तो इसके लिए भी 15 साल की सजा है, इसके लिए भी 15 साल की सजा है, और इस बेचारे ने तो इसलिए चोरी की क्योंकि इसके पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो भूख के लिए चोरी की, इसके पास तो सब कुछ था। तो अगर आप दोनों को 15 साल की सजा देते हैं, ठीक है, तो ये जस्टिसिएबल कैसे लगता है। ठीक है भाई, उसने मजबूरी में की है, इसने अपना इंटरेस्ट में की है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसे आगे हम लोग और समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को। ठीक है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं,
इसमें ये कहता है कि एब्सेंस होगा किसी भी स्पेशल प्रिविलेज क्लास का, मतलब किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। देखिए जो पुराना समय था एंशियंट टाइम में, जो ब्राह्मण्स थे और अपर कास्ट थे, अगर वो कोई क्राइम करते थे तो उनके लिए कम सज़ा होती थी, बट लोअर कास्ट अगर सेम वो क्राइम करता था तो उसके लिए हाइयर सज़ा होती थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ, मतलब जितने भी लोग होंगे सब उस सब क्या होंगे, सबके ऊपर वो कानून बराबर की तरह लागू होगा। और थर्ड बात इसमें ये कहता है नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, तो लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून सबसे ऊपर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। देखिए इसमें ये कहता है क्या है, यूएसए का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, यूएस का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ये कहता है, देखिए बड़े सिंपल तरीके से, यही वाला जो ब्रेड और माल्या वाला तो हमने रखा इसी को, तो अगर ऐसा कानून बनाया जाए जिसने भूख के कारण ब्रेड के कारण चोरी की है तो इसके लिए तो ये छोटी है, इसे 6 महीने की सजा दी जाएगी, जिसमें इसे कुछ अच्छा काम सिखाया जाएगा ताकि ये कुछ कर सके, कुछ अपना खुद का काम धंधा खोल सके और उसके बाद ये अपनी रोटी कमा सके। ठीक है, तो 6 महीने की सजा, और ऐसा जो बंदा है इसके लिए जो ऐसी चोरी कर रहे हैं इनके लिए 15 साल की सजा रखी जाएगी। तो ये क्या है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, मतलब एक जैसी कंडीशन में होने वाले, मतलब एक जैसी कंडीशन के लोगों के लिए एक जैसी सजा। ठीक है, समझ में आ गई बात, उसे कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसी को कहा जाता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, साफ आपको देख के लग गया होगा ये क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो क्या कहता है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, सिमिलर एप्लीकेशन टू सेम लॉ टू ऑल द पीपल हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो एक चीज़ हमें समझनी है वो हमें इसमें समझनी है रूल ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या रखा है, रूल ऑफ लॉ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं हम लोग रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। चलिए तो देखिए, रूल ऑफ लॉ जो दिया गया, रूल ऑफ लॉ किसने दिया है, रूल ऑफ लॉ दिया एवी डाइसी ने। ठीक है, एवी डाइसी ने क्या दिया, रूल ऑफ लॉ दिया। ठीक है, और उसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ में ब्रिटिश जूरिस्ट थे, इन्होंने 3 पॉइंट बताए। पहला ये बताया, फर्स्ट पॉइंट था एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिटरी पावर, मतलब आर्बिटरी पावर, अपने मन से जो मन चाहे फैसला ले लिया, वो वाला फैसले लेने का एब्सेंस हो उसे कहेंगे रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसी में है, नो मैन कैन पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, अगर किसी इंसान ने कोई कानून नहीं तोड़ा है तो उसे क्या है, सजा नहीं दी जा सकती है। मतलब अगर सिग्नल तोड़ने पे फाइन नहीं लगेगा तो उसे फाइन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर जब कानून बना दिया गया तभी उसके ऊपर वो लागू होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कहा। दूसरा पॉइंट ये कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या कहा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो दूसरा पॉइंट क्या कहा उन्होंने, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और थर्ड पॉइंट ये कहा, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पावर किससे मिल रही है, पब्लिक से मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किससे मिल रही है, पब्लिक से मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किससे पावर लेता है, पब्लिक से पावर लेता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या था रूल ऑफ लॉ में भाई, ये कहा एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिटरी पावर। ठीक है, मतलब अगर कोई कानून तोड़ा गया तभी आपको सजा मिलेगी। सेकंड कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ, और थर्ड क्या कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है पब्लिक से, पीपल से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया में ये दोनों जो कंडीशन है, पहली और दूसरी, ये दोनों इंडिया फुलफिल करता है, बट ये थर्ड कंडीशन इंडिया फुलफिल नहीं करता। आपने प्रीएम्बल की क्लास की थी तो वहां पे मैंने बताया था कि भैया जब प्रीएम्बल में लास्ट लाइन आप क्या कहते हैं, डू हेयर बाय वी इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो पब्लिक क्या करती है, अपनी जो सारी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को दे देती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर आ गया और पब्लिक नीचे आ गई। तो इंडिया के केस में पब्लिक पावर आप लोग किससे ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अब आपसे पावर नहीं ले रहा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, थर्ड जो इसका पॉइंट है रूल ऑफ लॉ का, वो नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एक्सेप्शन देखते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नर हैं, ठीक है, उनके ऊपर किसी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है, ठीक है, जब तक वो अपने ऑफिस में वर्किंग है। किस आर्टिकल के अंडर गिवन है ये? आर्टिकल 361 के अंडर इन्हें ये क्या दिया हुआ है? प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 361 के अंडर इन्हें प्रिविलेज दी गई है। तो क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, जो फॉरेन के सोवरेन्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, उन्हें डिप्लोमेटिक क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 31C, ठीक है, आर्टिकल 31C में साफ सी बात मेंशन की गई है कि अगर डीपीएसपी जो है, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज मत होजिएगा, जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब मैं इसे रिलेट करके बताऊंगा कि 31C से यहां का क्या पॉइंट था। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि 31C को अगर आप इम्प्लीमेंट, 31C ये कहता है कि अगर आप डीपीएसपी में, ठीक है, 39B और 39C इन दोनों डीपीएसपी को आप क्या करते हैं, लागू करने की कोशिश करते हैं या लागू करते हैं इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन, तो किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन जो आपको 14 आर्टिकल में मिली है, आर्टिकल नंबर 14 में मिली है, वो प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें कहा जाता है व्हेन 31C कम्स इन 14 गोस आउट। तो आप में से बहुत लोगों ने जन्नत मूवी देखी होगी, इमरान हाशमी की पहली मूवी थी, ठीक है, पूरी एक जनरेशन इसने खराब कर डाली थी, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता है वो कि जब गरीबी खिड़की से अंदर आती है तो प्यार बाहर चला जाता है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से है भैया, जब 31C अंदर आएगा तो क्या नाम है आपका जो 14 है वो घर के बाहर कूद के भाग जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, ये दोनों प्रिविलेज देता है किसको? इम्यूनिटी देता है एमएलए और एमपी को। तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा उल्टा हो गया है, आर्टिकल 105 किसके लिए? एमपी के लिए है, और आर्टिकल 194 एमएलए के लिए है, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एमएलए और एमपी के लिए देता है, तो उसमें भी इनको जो प्रोटेक्शन मिली है वहां पे भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट कम देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल, ये है आर्टिकल 361। तो कोई भी पर्सन अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को और स्टेट की लेजिस्लेशन की प्रोसीडिंग्स को सही तरीके से पब्लिश कर रहा है तो उसे भी प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल हमारे यहाँ पे खत्म हो गए एक्सेप्शन में। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 15। तो 14 आर्टिकल जो था हमारा वो हमारा पूरा खत्म हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15, देयर शैल बी नॉट, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, देयर शैल बी नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगेंस्ट सिटीजन ऑनली, ध्यान रखिएगा, ऑनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब यार रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ जो है इसके अलावा और किसी पे करना है तो तुम कर लो, ठीक है, समझ में आई बात? तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज अलाउड, इसका मतलब कहने का है। और इस बार के सभी एग्जाम के लिए ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूएस में रेशियल वायलेंस के वजह से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई, जिसके कारण पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहा है। और आम बात है वो डायरेक्ट इंडिया से तो लिंक नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ ये काले गोरे वाला इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो बट ये यहाँ पे आपसे पूछ ये सकता है कि किसके अंडर ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली बात की गई है, तो आर्टिकल 15 के अंडर ये कहा गया है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और देखिए असल में काले से कोई प्रॉब्लम वहां पे भी नहीं है, मेन है डिस्क्रिमिनेशन, हमारे यहाँ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ठीक है, इस लेवल का जितना यूएस और बाकी कंट्रीज में किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है। किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एप्लीकेबल टू स्टेट, यहाँ पे क्या है स्टेट के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ यूज ऑफ वेल, टैंक, बेथिंग घाट मेंटेन्ड बाय स्टेट, फंड फॉर जनरल पब्लिक, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये अप्लाई होगा बोथ सिटीजन और स्टेट दोनों पे, ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि कहा है, देखो ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बट एक्सेप्शन अब देखते हैं, एक्सेप्शन मेंशन की गई है। और मैंने कहा ना कि फंडामेंटल राइट्स में पहले से ही एक्सेप्शन यानी दिए गई हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो उतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, उसके अगेंस्ट और ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती।
तो वुमेन चिल्ड्रेन एससी एसटी को आपको पता ही है स्पेशल हर जगह क्या दिया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है बैकवर्ड क्लास को, तो ये पहले से ही मेंशन कर रखा है, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, 2005, ये आपको ये कहता है 2005 रिजर्वेशन देता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, किसको, ओबीसी को, ठीक है, माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलिए, तो ये 93rd अमेंडमेंट हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका क्रीमी लेयर जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ओबीसी में से जो लोग अच्छी खासी जॉब पे हैं, बढ़िया पैसा कमा चुके हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है, ताकि क्या करें, जो बचे हुए लोग हैं वो क्या कर पाए, नौकरी पा पाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इक्वल आर्टिकल नंबर 16 जो कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो किसी भी जो हमारा सिटीजन है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसके आधार पे, एम्प्लॉयमेंट के लिए किस आधार पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, इसको ध्यान रखिएगा डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, ठीक है। तो अगर आप देखें पुराना वाला, तो वहां पे आपको डिसेंट और क्या नाम है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है ये तो दिख रहा है, डिसेंट नहीं दिख रहा और रेसिडेंस नहीं दिख रहा। तो ध्यान रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट इसी का इस्तेमाल करती है, रेसिडेंस एज अ कंडीशन लगा के अपने जो स्टेट के लोग होते हैं उन्हें क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देती है कि भाई ये नौकरी निकली है ये मेरे स्टेट के लोग ही ज्वाइन कर पाएंगे इतनी परसेंटेज, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखिएगा 15 में डिसेंट नहीं दिया हुआ और रेसिडेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान ये रखिएगा 16 में ये दोनों दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिडेंस, देखिए ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, रेसिडेंस ऐसा कंडीशन लगा सकता है कुछ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में, कौन, ध्यान रखना ये पार्लियामेंट लगाएगा, कौन लगाएगा, पार्लियामेंट लगाएगा कि भाई रेसिडेंस ऐसा कंडीशन है इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये अभी कहाँ कहाँ पे लगा रखा है, आंध्र प्रदेश और साथ में एक स्टेट और है ध्यान रखिएगा तेलंगाना, अभी केवल दो जगह पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि वही स्टेट के 75-80% लोग वहाँ की जॉब पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है रिजर्वेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन में। और थर्ड पॉइंट ये रखिएगा कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे अभी राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट बनेगा, ठीक है, तो अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिस भी रिलीजन का है, तो उसी रिलीजन का बंदा उसे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए दूसरे रिलीजन वाले नहीं कह सकते कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है अपॉइंटमेंट में, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है इसी से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, अब हम कुछ चीजें करते हैं। सबसे पहली बात आती है मंडल कमीशन के बारे में 1947, ठीक है, तो मंडल कमीशन आपका कब आया था, 1979, सॉरी, किसके टाइम में, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय में आया था, कब आया था ये आपको ध्यान रखना है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम में आया था, और इसमें यह कहा गया था कि भाई जो ओबीसी है बहुत ज्यादा है, 52% है, तो इसे 27% इन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाए, ठीक है। फिर आगे चल के आती है इंदिरा सहानी जजमेंट, ठीक है, सवानी है बट सहानी सहानी कहा जाता है, इंदिरा सहानी जजमेंट कब, 1992 में, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार लगा देता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बट इसे अभी जाके आपको पता ही है कि तोड़ दिया गया है, ठीक है, और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनंदन कमेटी जो बनाई गई थी वो क्रीमी लेयर को मतलब क्लासिफाई करने के लिए बनाई गई थी कि क्रीमी लेयर कौन सी है ओबीसी में, ठीक है। 77th अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया था कि जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में वो किसको दे दिया जाए, एससी और एसटी को दे दिया जाए, ठीक है। कब आया था 77th अमेंडमेंट, 1995 में आया था, ठीक है। रामनंदन कमेटी कब बनी थी, 1992 में बनी थी, ठीक है, ये पॉइंट कुछ ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसने ये कहा था सीनियरिटी के हिसाब से एससी एसटी को क्या है आगे प्रमोशन और दिया जाए, ठीक है, ये वाले पॉइंट भी इसने डाला। नेक्स्ट है 81st अमेंडमेंट एक्ट जो आया आपका, इसमें ये कहा गया कि भाई जो है ब्लैक लॉग एंट्रीज जो है उसमें जो 50% को वो क्रॉस ना करे, ठीक है, और अगर कर भी रहा है तो उसके बाद भी उन लोगों को, जैसे अगर इस साल सीट खाली रह गई है तो उन्हें अलग से फिल किया जाए, ठीक है, किसकी कैटेगरी की, ठीक है। तो चलिए, अब हम कुछ और पॉइंट इसमें देखते हैं कि, चलिए सारे पॉइंट हो गए यहां पे कुछ नहीं बताया, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास या फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन
1993 में बना, ठीक है, बैकवर्ड क्लास की पूरी चीज़ों की देखरेख करने के लिए इसी एक्ट के अंदर, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट के अंडर ही बना, ठीक है। और यह एक्ट क्या कर रहा था, करता है पूरे के पूरे जितने भी बैकवर्ड क्लास हैं उनके बारे में देखता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 17 के बारे में, ठीक है। तो ये क्या एबॉलिश करता है, अनटचेबिलिटी एबॉलिश करता है, इट इज एप्लीकेबल टू स्टेट एंड प्राइवेट सिटीजन बोथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, सिविल राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इस स्कोप का आर्टिकल ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं, देखिए अनटचेबिलिटी जो है ये डिफाइन तो कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। बट मैसूर हाई कोर्ट ने इसमें एक जजमेंट दी और उसने कहा जो हिस्टोरिकल तरीके से हम लोग अनटचेबिलिटी को करते आ रहे थे, मानते आ रहे थे, ठीक है, तो उसी को अनटचेबिलिटी माना जाएगा। तो इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारी पुरानी जो ट्रेडिशन होते हैं उनको कोर्ट्स क्या करते हैं, अनटचेबिलिटी का कह के उन्हें नल एंड वॉइड या खत्म कर देते हैं उन सारी प्रथाओं को, ठीक है। चलिए, और अगर अनटचेबिलिटी को कोई किसी भी तरीके से प्रमोट करता है तो उसका इलेक्शन कंटेस्ट में उसे कैंसिल कर सकता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, इसमें एक ध्यान रखिएगा, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में सोशल बायकॉट नहीं आता है, सोशल बायकॉट नहीं आ सकता, आता है सोशल बायकॉट किया जा सकता है। अब कोई दारू शराबी है, ठीक है, ये मोहल्ले में घूम रहा है, तो अगर आप उसका सोशल बायकॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, सोशल बायकॉट है, ठीक है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि किसी भी तरीके के जैसे वो थे राज बहादुर, वीर बहादुर, शेर बहादुर, ये सारे टाइटल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी किसी तरीके के टाइटल नहीं रख सकता, केवल दो तरीके के टाइटल रख सकता है, पहला तो जो उसे डिग्री मिल रही है PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और दूसरा वो रख सकता है क्या आपका, देखिए दूसरा रख सकता है ये भारत रत्न, पद्म अवार्ड जितने भी हैं ये रख सकता है, और साथ में, ठीक है, टाइटल में तो आते ही नहीं, सॉरी ध्यान रखिएगा, भारत रत्न पद्म अवार्ड जो है ये टाइटल की लिस्ट में आते ही नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कंडीशन है, आप अगर पद्म अवार्ड मिला है, भारत अवार्ड मिला है, तो आप इसे अपने नाम के साथ नहीं जोड़ेंगे। आपने साउथ की मूवी में देखा होगा वो भारत रत्न अपना नाम के आगे जोड़ देते हैं, ये अलाउ नहीं है। अगर आप इसको अपने नाम के आगे जोड़ेंगे, भारत रत्न और आगे बंदा अपना नाम जोड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस अवार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा उस बंदे के लिए। बट अगर आप कहें कि दूसरा बंदा करे, अब देखिए मीडिया पर्सन करते हैं या दूसरा बंदा करता है तो उसे वो रोक नहीं सकता, तो दूसरे लोग अगर यूज करते हैं तो करें, ठीक है। अब देखिए किस तरीके के टाइटल रख सकता है, एक तो भाई जो भी उसे डिग्री विग्री मिली वो रख सकता है, और साथ में जो मिलिट्री के जो होते हैं, ठीक है, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे जितने टाइटल्स हैं इनको रख सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, किसी भी फॉरेन स्टेट से भी नहीं रख सकते। और अगर कोई फॉरेनर जो है इंडिया में काम कर रहा है और अगर उसे कोई टाइटल लेना है तो उसे प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई सिटीजन और फॉरेनर जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी ले रखा है उसने, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास है या फिर सरकार उसे पेमेंट करती है, तो अगर वो भी कोई टाइटल ले रहा है तो उसे प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा राइट टू इक्वालिटी था, ठीक है, उसे हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग क्या करें, जो सुबह हमारा 7 बजे क्लासेस चल रही है स्पेशल क्लासेस करंट अफेयर MCQ की, सॉरी पॉलिटी MCQ की, तो उसे आप 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज माई चैनल रिलैक्सेशन स्टडी और दिस इज माई कोड, इसे आप इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।